सो गाइस, सो हम लोग अभी जा रहे हैं किधर? कैलवे बीच पे। सो मैं आपको पहले से ही दिखा रहा था कि मैं वैक्सीन को लेने के लिए कैसे कैसे गया, कहीं पर चल के भी गया। तो फाइनली अभी मैं बंदा थका नहीं हूँ, अभी मैं फिर से जा रहा हूँ बीच पे। सो अभी बीच पे जा रहे हैं, तो फाइनली उधर जाके मिलते हैं, अपने को कैसा क्या लगता है फिर जाके बताते आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्या रहेगा। सो अपने पास और एक दोस्त भी है जो अपने साथ आया है, ये है अपना खास दोस्त। वाओ, लुक इट हियर। यस, सो वो भी चलने में अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। सो वहाँ पे जाके इसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खुद भी नहाएंगे, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं। लाइफ क्या है, 2 दिन का है, जियो जीने दो, देखते आगे जाके। गाइज, अब देख सकते हैं ये घोड़े में उठ के लोग यहाँ से जा रहे समुंदर के बीच में से, ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कितना मज़ा आ रहा है। वाओ, दिस इज़ द वेरी फैंटास्टिक सीन। सो मेरे को भी ऐसे चढ़ के जाने का मन था, लेकिन पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास बजट थोड़ा कम है, क्योंकि जब भी अपन किधर जाते हैं ना, तो मेरा वैसा ही अंधे हो जाता है कि पैसा शॉर्ट हो जाता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑसम सीन। सो गाइस, अब देख सकते हो। तो कहीं पर भी ऐसा अगर आपको मौका मिले ना, मेरे जैसे घुमाने का नहीं, मज़े ज़रूर लेने का। ओके, सो आ गया। अभी मेरा बाल पूरा अभी ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े हो गए। अभी अपन यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं, मजे वजे जितना लेना था अपन ले लिए। देखते हैं अपन लोग, मजा लेते हैं। वाओ वाओ, या डीजे डीजे, या या या, यू कैन यू कैन। तो हमारा काम जा रही है, दिखाते हैं अभी क्या करने जा रहे हैं। तनिष इज रेडी नाउ, या या ही इज डन। इतना बड़ा उठा पर जा रहे बात, इतना जा, इतना बड़ा जाल पड़ रहे थे। वाओ, आर यू रेडी? समंदर में जब आते हैं तो हवा बहुत मस्त आती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और अनोखा फील होता है, ऐसा लगता है कि मजा आता है। वाह, मजा आ गया। मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, डीजे जी, डीजे के साथ, क्योंकि मुझे पानी में भी नहाना है, थोड़ी देर में नहाता हूँ, तो डीजे को भी नहलाता हूँ। ये बिक्की भाई, उसको फिर से एक बार ऊपर उठाओ, मजा आ रहा है। यो बान कैम डीजे। ओके, मैं यहाँ के बारे में इतना बोला ही नहीं आपको, सो मुझे बोलना चाहिए कुछ। सो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्लेस जो है ना, ये जुहू बीच की तरह है, तो आप यहाँ पर आएंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको वो वाइब्स आने वाला है जो जुहू बीच में आता है, और ऊपर से यहाँ का जो समुंदर की हवा जो आती है ना, दिल को खुश कर देती है, हमारी आत्मा खुश हो जाती है अंदर से खुश। और बिल्कुल गर्लफ्रेंड लेके आएंगे तो मैं बोल नहीं सकता और कितना खुश हो सकते हो आप, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो, सबकी अपनी अपनी किस्मत, चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो मैं भी लेके आऊंगा ना भाई समुंदर। वाह,
कितना मजा आता है जब यहाँ पे नहाते दो कपल्स यहाँ पे जब आएंगे नहाएंगे, कुछ अनोखे काम तो नहीं करने चाहिए लेकिन करेंगे तो अब उनकी बात है, लेकिन मजा जरूर आएगा। वाओ इट्स ऑसम। सो यही है, यहाँ पे थोड़ा पब्लिक थोड़ा कम है, कम आते हैं, थोड़ा कैलवे बीच है गांव के, गांव का ये एक बीच है, सो शायद इसके लिए यहाँ पे लोग इतना आते नहीं है, तो गांव वाले ज़्यादातर आते हैं। मे बी इट्स नॉट बैड, यहाँ पे पंजाबी बिजली है, हवाई मस्त आती है, तो वही बात है, समथिंग डिफरेंट। वाहो दीदी हैज कम, सो मैं इसके साथ मस्ती करता हूँ थोड़ा। वाओ दीदी यू कैम, दीदी ऑलवेज बिजी। ओके दोस्तों, समुंदर के बीच में मैं एक रोता इंसान साथ में हो रही है, जो कुछ अनोखे काम कर रहा है। दूसरा पलटी वेरी ऑसम, दिस इज कूल। मैं जंगली जैसा हो गया हूँ, मुझे देख सकते हैं आप लोग, ये दाढ़ी है इतने बड़े बड़े और बाल भी बड़े बड़े हो गए। अब मैं क्या करूँ, इसको काटना चाहिए कि मुझे रखना चाहिए, इसको आप बोलिए प्लीज़ कमेंट टू मी, मुझे आपकी कमेंट की इंतजार है, देखते क्या कमेंट करते हैं। तो ये समंदर इतना गहरा हो सकता है, मुझे अंदाज़ा नहीं, आपको है तो बता दो, मुझे मज़ा आ रहा है, आई फील गुड नाउ। तो अपना विक्की भाई अभी क्या करने जा रहा है, वो करने जा रहा है अभी, देखते हैं अपन। सो अपना एक दोस्त भी है डीजी, डीजी इज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्पिंग हिम विक्की भाई, सो विक्की भाई इज गोइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स। सो इस समय का आनंद लेते हुए अपन देखते हैं। वाह 1 2 3 गो। वाओ तो डीजी उसको मना कर रही है, डीजी उसको मना मत करो, वो अभी करने जा रहे कुछ अलग से, कुछ समझा कर रहे हैं। डीजी भी थक गई है, अब विक्की भाई अभी कर सकता है। विक्की भाई, विक्की भाई यू कैन डू नाउ। वो अपने डीजी करने के लिए इतना मना कर रही है। मत आना ओके, वो थोड़ा कुछ करने जा रहे हैं, समझ लो। ओके वेयर आर यू रेडी विक्की भाई, कम ऑन लेट्स गो। अपन उसको फ्रॉड से लेने भाई, कोई बात नहीं, लेकिन विक्की भाई ने वो कर दिखाया। विक्की भाई क्या बोलते हैं आपको, ये करने में कैसा लगा? पहले पहले बहुत दिन के बाद किया तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत दिन बाद, 2 साल बाद किया, क्या बात है। थोड़ा अच्छा था जो भी, वो अच्छा लगा ना। ओके तो डीजी भाई, डीजी आपको फ्लिप, डीजी डीजी बहन आपको कैसा लगा? यो प्यार देखो इन दोनों का भाई, मोहब्बत है बहुत ज्यादा, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। तो ये सुनहरा मौसम में आप देख सकते हैं, अच्छा लगा, जो कैलवे बीच बोलते हैं इसको भाई, तो इधर आने का थोड़ा धूम मचाने का भाई, लोग थोड़ा इधर घूमने का तो थोड़ा अच्छा है, जू बीच जैसा नहीं है लेकिन वैसा एक वाइब आता है अपने को कि जू बीच जैसा है। चलो उधर खुदाई भी हो रही है आगे, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वो उधर जेसीबी के साथ खुदाई हो रही है। ओके
तो अपना ये गैलवे बीच का तो एक समुंदर है, आपको को मालूम ही है। तो ये समुंदर में अभी मैं भी थोड़ा मजा लेने वाला हूँ, मेरा भी शॉट लेंगे। पहुँचने वाले हैं मंजिल तक, समझ लो पहुँच गए। तो सारे लोग अपने बंदे लोग भी आ गए, अपना तनिष भांजा भी इधर, अपना जीजा जी आगे जा रहे। सो अगर आपको कोकोनट खाने का इधर आके जूस वूस पी लेने का। तो फाइनली गाइस के जाने के लिए अपन लोग शेयरिंग गाइस अपने पास अपना एक दोस्त भी है आदर छा सर, ये भी अपने साथ है। जो भी हो अच्छा लग रहा है क्योंकि आज घूमने का अपने को मौका मिल रहा है, घूमने का टाइम मिल रहा है। तो आज के